नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है। आज हम बात करेंगे योग कारक ग्रहों के जेमस्टोन्स के बारे में। ये जो डिटेल्स आपके सामने हैं, 22 जून 1978, 2:28 दोपहर का, और ढाका बांग्लादेश का ये बर्थ प्लेस है। आइए इस कुंडली को देखते हैं। इस क्लाइंट का जो क्वेश्चन है वो यह कि मैंने अपनी कुंडली के अनुसार योग कारक ग्रहों के रत्न पहने हुए हैं, तो क्या ये रत्न मेरे लिए सूटेबल हैं या नहीं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जैसे कि इस वीडियो के आप जो टॉपिक है इस पे आप आएंगे, योग कारक ग्रहों के जेमस्टोन्स, ये मैंने उनके बाद से ही ये लिया हुआ है। उनका ये प्रश्न है कि मैंने योग कारक ग्रहों के रत्न पहने हुए हैं, क्या ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप मुझे अपनी कुंडली के अनुसार योग कारक ग्रहों को बता दीजिए। उन्होंने जो बताया वो ये बताया कि उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है, जैसे 7 है, इसका लॉर्ड यानी वीनस योग कारक होगा। आपके फिफ्थ हाउस में जो राशि यानी 11, इसका जो लॉर्ड है शनि, वो योग कारक होगा। 9th हाउस में जो राशि है 3, इसका स्वामी यानी बुध योग कारक होगा। साथ ही चंद्रमा सभी के लिए योग कारक होता है, क्योंकि ये मन का कारक होता है। तो उस ज्योतिषी महोदय ने इनको शुक्र, शनि, बुध और चंद्र, इन 4 ग्रहों के स्टोन बताए। शुक्र के लिए ओपल स्टोन, शनि के लिए नीलम स्टोन, बुध के लिए पन्ना और चंद्र के लिए मोती। अब इस जातक को ये जानना है कि क्या ये 4 ग्रहों के स्टोन इनके लिए सूटेबल हैं या नहीं। आइए हम इस प्रश्न का उत्तर इस कुंडली से देखते हैं। एक छोटी सी जानकारी आपको देना है, 15 नवंबर 2024 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है। इस कोर्स में आप कंप्लीट कुंडली प्रेडिक्शन और रेमेडीज़, साथ ही बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, रूलिंग प्लैनेट्स, दशाओं का अध्ययन, ये इस पूरे टॉपिक को सीखेंगे। अर्थात इस कोर्स के बाद जैसे मैं कुंडली के अलग अलग टॉपिक्स का वीडियो डालता हूँ, वो नॉलेज आपको हो जाएगी। यानी कुंडली के जो 1 से 12 भाव से संबंधित जो टॉपिक्स होते हैं, उसका प्रेडिक्शन करना, रेमेडीज़ बताना, वो आप सीख जाएंगे। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9995x5792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कुंडली प्रेडिक्शन, जेमस्टोन कंसल्टेशन या किसी भी प्रकार की वास्तु, चाहे वो आपका घर है, फैक्ट्री या ऑफिस है, उसके कंसल्टेशन के लिए भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जेमस्टोन प्रेडिक्शन का चार्ज 2024 में 1500 है और पूरी कुंडली का प्रेडिक्शन चार्ज 4100 है। आप ये वीडियो जब भी बाद में देख रहे होंगे तो उस समय का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9995x5792। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, तीनों का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो क्वेश्चन है कि इनके अनुसार जो योग कारक ग्रह हैं, क्या उसके रत्न पहनना इनके लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस जातक को जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो है हेपेटाइटिस बी, यानी जो लीवर रिलेटेड हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम होती है वो, और दूसरा मनी लॉसेस का, यानी पैसे के नुकसान होने का। तो इसके लिए वो कौन सा जेमस्टोन पहने, और क्या ये 4 स्टोन जो शुक्र का, शनि का, बुध का और चंद्र का, ये जो स्टोन बताए गए हैं, क्या ये इस जातक के पर्पस को सॉल्व करते हैं या नहीं। हमें यहाँ पे इस लग्न वाले सेक्शन में आना होगा। यहाँ आने के बाद हमें केपी वाले सेक्शन में आना होगा। इस केपी पे हम टच करेंगे। यहाँ आने के बाद
आपको आ जाना है इस नक्षत्र नाड़ी में। जब हम शनि को देखते हैं तो शनि में हेल्थ रिलेटेड निगेटिव हाउसेस 6 और 8 है, बेसिकली 1, 4, 6, 8। हेल्थ के लिए निगेटिव हाउस 1, 4, 6, 8 होता है, 4, 1, 4, 10 भी होता है। हेल्थ रिलेटेड मैटर इनको है, इसलिए शनि के स्टोन हम नहीं बताएंगे। बुध की बात करें तो बुध में 1, 8, 4, 10, 12 भी पूरे हेल्थ के लिए निगेटिव हाउसेज हैं। मर्क्यूरी की बात करें तो 12, 8, 1, 8 यानी 1, 8, 12 ये निगेटिव हाउसेज हैं। मून की बात करें तो मून में 8 नंबर है लेकिन 11 भी है, तो बेसिकली कुछ बेटर है। और सबलॉर्ड जो है वो 2, 7, 10 है, यानी ये बेटर है। तो इस स्थिति में ये 3 स्टोन मैंने इनको मना कर दिया। मैंने कहा ये मून का स्टोन अच्छा है, क्या आपने इसे ट्राई किया? इन्होंने मून का स्टोन अब तक ट्राई नहीं किया। मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप पहले मून का स्टोन ट्राई करें। मून के साथ साथ आप मार्स का स्टोन भी ट्राई कर सकते हैं। मार्स फाइनेंस, बिजनेस और मैरिड लाइफ के लिए एक्सेलेंट रिजल्ट दे रहा है। मार्स अनटेनेंटेड प्लैनेट है, इसके कारण ये अपना रिजल्ट स्वयं में ही देने, डिलीवर करने में ये कैपेबल है। तो मैंने मून और मार्स का स्टोन बताया। थर्ड स्टेप में मैंने केतु का स्टोन बताया, टाइगर आई। ये मनी गिविंग हाउसेस के भी रिजल्ट दे रहा है, मनी लॉसेस का भी रिजल्ट दे रहा है, यानी 2, 6, 7, 10 ये फाइनेंस के लिए अच्छा होता है। 5 और 9 फाइनेंस के लिए ख़राब होता है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो बेसिकली हेल्थ के फैक्टर के लिए मैंने केतु बताया। यानी जो 3 स्टोन का कॉम्बो है, चंद्र प्लस मंगल प्लस केतु, ये कॉम्बो इनको फाइनेंस प्लस हेल्थ दोनों की बेनिफिट देगा। तो इस बेस पे मैंने ये 3 स्टोन इनको बताया। कोई भी स्टोन मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ तो मैं सारे स्टोन एक साथ पहनने के लिए नहीं बोलता, एक बार में एक ही स्टोन पहननी है, 1 से 1.5 महीने तक उसके रिजल्ट को देखिए, फिर दूसरा स्टोन ट्राई कीजिए। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसमें से हो सकता है कुछ लोग इससे रिलेट ना करें, करना भी नहीं चाहिए। यदि आपके स्वयं की सोचने समझने की क्षमता है तो किसी से भी 100% संतुष्ट नहीं होना, आपको स्वयं भी सोचना है और प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट से जेमस्टोन को सिलेक्ट करते हो, यदि उसको पहनने के बाद बेनिफिट मिल रहा है तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपका सही है। तो यदि ये जातक को शनि का स्टोन, बुध का स्टोन या शुक्र का स्टोन, इसको पहनने के बाद से यदि इसको बेनिफिट मिला होता तो मैं बोलता ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेनिफिट मिल रहा है तो कंटिन्यू कीजिए। जब नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं मिल रहा। तो इसी बेस पे मैंने कहा कि ये जो मैं केपी एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन का सिलेक्शन हाउस के बेस पे करता हूँ, ये अधिकतम केस में यानी 10 में 9 केस पे मुझे रिजल्ट अच्छे मिले हैं, मिलते हैं। साथ ही साथ जेमस्टोन्स की इनर्जी भी बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैं जिनको भी जेमस्टोन कंसल्टेशन देता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि जो आपके पास स्टोन है या जिसके आप रिंग बनवाने वाले हैं उसकी फ़ोटो मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं उसकी इनर्जी आपको बता दूंगा। ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही इनका ये ऑब्जर्वेशन है कि जब जब मैंने इस मार्स का स्टोन पहना तो मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने उतरवा दिया कि ये आपके लिए योगकारक नहीं है। यानी पर्सनल लेवल पर इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो मार्स का स्टोन इन्होंने ट्राई किया हुआ है और इनको बेनिफिट मिला है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स ने निकलवा दिया। और जो एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार जो पॉजिटिव स्टोन्स हैं, इन स्टोन्स ने इनको नुकसान कराया, यानी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो उम्मीद है आपको जेमस्टोन सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जेमस्टोन सिलेक्शन का, आप उसको देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ।